Welcome to Diva Mantra and this is Divya, your host for this channel. और ना मुझे एक यार मुझे एक शायरी आई हुई है. Let me say that. Elastic, plastic, भाभी जी का मेकअप, long elastic. वेट कर रहे थे इस वीडियो का, सो मैं आ गई हूँ वापस. और हुआ क्या, मेरे पिछले वीडियो से कुछ लोग इतना चुलबुला गए कि मतलब मैं सच बता रही हूँ कि दीदू ने तो बहुत मेहनत की, बहुत सारे हेट कमेंट्स किए. इतनी स्पीड में हेट कमेंट्स कर रही थी कि आधे जा रहे थे रिव्यू में, मतलब हेल्पफुल रिव्यू, और आधे जो पोस्ट हो रहे थे वो ये डिलीट करके भाग जा रही थी. मतलब क्यों करते हो ऐसी मेहनत जिसका कोई काम ही ना हो, मतलब हद है. आपको क्या लगता है मैं आपको ढूंढ के ब्लॉक नहीं कर सकती? सो मैंने इनकी परेशानी को थोड़ा कम करते हुए उस आईडी को ब्लॉक कर दिया है. बट यस, कंफर्म हुआ है कि वो आईडी किसकी है, क्योंकि हम लोग दुष्ट लोग हैं, हम लोग सब पता कर लेते हैं, तो हमारे साथ ये गेम ना खेले. और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है. सो लेट मी टेल यू मेरा प्रॉब्लम क्या है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि इनके जैसे लोगों के कारण लॉकडाउन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लॉकडाउन लौट के वापस आ रहा है. जी हाँ, इनके जैसे लोगों के कारण, क्योंकि इनके जैसे लोगों को ये नहीं पता है कि पेशेंट नंबर 31, एक 61 ईयर ओल्ड लेडी ने कोरिया में कोरोना का आउटब्रेक करा दिया था. उन्होंने इतने सारे लोगों को कोरोना फैला दिया था कि जब हाई अलर्ट हुआ और जब पेशेंट्स की हिस्ट्री चेक की गई, चेन्स खोजी गई, तो वो सारी चेन जाके जुड़ी किससे? पेशेंट नंबर 31 से. सो अगर एक औरत एक पूरी कंट्री में कोरोना फैला सकती है, तो यहाँ तो 100 लोग जमा थे, है ना. फिर उसके बाद मुझे पता चला कि दीदू ने मेरे किसी सब्सक्राइबर को उल्टा जवाब देने की कोशिश की. जी हाँ, जवाब सुनिए, हमने इज्जत ली थी. ओह माय गॉड, ये भी करती है? मुझे तो लगा था आप सिर्फ एक यूट्यूबर हैं और आप सिर्फ मेकअप करती हैं, बट आप इज्जत भी लेती. नहीं, ये शायद बोल रही थी कि इन्होंने इजाज़त ली थी. भाई किसकी इजाज़त ली थी आपने, ज़रा हमें बताएंगी? कोविड-19 की इजाज़त ली थी क्या? सरकारी ऑफिस है कोविड-19 का या फिर प्राइवेट है? मल्टीनेशनल होगा, चाइना से आया ना तो मल्टीनेशनल होगा. तो दीदी एक बात बताइए, इजाजत लेने जब आप गई थी तो आपने क्या लिखा था कि कोविड-19, आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, प्लीज यू आर नॉट इनवाइटेड इन माय पार्टी, प्लीज डोंट कम? और क्या अंडर टेबल आपने कोविड-19 को घूस भी दी थी आपके पार्टी में ना आने के लिए? हम लोगों को बताना जरूर है. वी वॉन्ट एन अपडेट ऑन दिस कि इजाजत किससे ली थी, कोविड से? एक्चुअली दीदू ने, लेट मी टेल यू बिहाइंड द सीन्स, दीदू गई थी और इन्होंने बोला था कोविड के वायरस को कि प्लीज़ देखो हम पार्टी कर रहे हैं, तुम नहीं आना, क्योंकि हम गाल से गाल चिपकाएंगे, हम कमर मटकाएंगे, हम सैनिटाइज़र लगा के मास्क लगा के होटल जाएंगे, लेकिन अंदर जाके हम लोग सब कुछ निकाल देंगे, मतलब सब कुछ नहीं, मतलब मास्क निकाल देंगे, और प्लीज़ कोविड तुम वहाँ पे बिल्कुल नहीं आना, तुम्हारी नो एंट्री है. सो ये डील हुई थी शायद दीदी की, इसलिए कह रही हमने इज्जत ली थी. क्या कोरोना आपकी इज्जत करता है? मुझे नहीं लगता मुझे दीदू, नहीं लगता. और हाँ, फिर उसके बाद मेरी बात सुनो आप लोग. और भी बहुत सारी एक्सक्यूजेज आई, लोगों ने पूछा, दीदू के सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा आपका प्रॉब्लम क्या है. अरे भैया, तुम लोग को समझ में नहीं आता कि मुझे तो लगता था कि तुम लोग की, मतलब मैं क्या बोलूँ, दिमाग काम नहीं करता, बट अब मुझे ऐसे लगता है कि तुम लोग की आँखें या कोई भी इंद्रियाँ काम नहीं करती हैं. तुम लोगों को क्या पता है दीदू जैसे लोगों के कारण लॉकडाउन वापस आ रहा है, क्योंकि सरकार ने थोड़ी सी छूट दी थी और दीदू लोग सरकार के सर पे चढ़ के तेरी आँखा कायो काजल पे डांस कर रही थी, क्योंकि कोविड से दीदू ने इज्जत ली थी. उसके बाद दीदू ने दिखाया कि इन्हें, जो लोग मुझसे कहते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश बोलनी आती तो आप मजाक क्यों उड़ाते हो, नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती,
मैं जिस चीज़ के खिलाफ हूँ वो ये है कि जब एक यूट्यूबर बोलती है, वो बोलना चाहती है कि मेरी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, तो वो बोलती है मेरी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, ऐसी इंग्लिश से प्रॉब्लम है। दीदू जब बोलना चाहती हैं कि मुझे बर्थडे में ये बुके मिला है, तो दीदू बोलती हैं ये बुफे मिला है, ऐसी इंग्लिश से प्रॉब्लम है। भाभी बोलती हैं कि मैं शीट मास्क लगा के अपना स्किन अच्छा करती हूँ, बट भाभी ये बोलना चाहती हैं, लेकिन भाभी बोलती हैं कि हम शीट मास्क लगा के। मुझे प्रॉब्लम थी, पता है? मुझे बहुत प्रॉब्लम थी भाभी जी के शीट मास्क बोलने से, बंद करा दिया। दीदू की एक सपोर्टर बोलती है कि हम सारे मास्क लगा कर गए थे क्योंकि हमने पार्टी में जाके मास्क उतारा, और कौन सी पार्टी बिना विद मास्क एंजॉय की जाती है। तो भाई हाँ, पार्टी बिना मास्क के एंजॉय नहीं की जाती है, लेकिन कोविड 19 का जो वायरस है ना, वो कहीं भी आता जाता है, कहीं भी आता जाता है। ब्लैक लाइट टेस्ट जो हुआ था, आप लोगों का ना दिमाग थोड़ा सा पैदल है और सारी इंद्रियां बंद है। आप लोगों को जो हेटर्स हैं मेरे, जो यहाँ पे आके इतनी मेहनत से लंबे 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 कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम जलते हो, तुम ये तुम वो, अरे भाई सुनो सुनो, कोविड का वायरस कुछ भी नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि दीदू की पार्टी हो रही है, दीदू मेकअप अच्छा करती है, फिल्टर लगाती है, वायरस का कोई लेना देना नहीं है। वायरस तो किसी को भी हो जाता है। तो फिर अगर एक को होगा और वो 10 लोगों को फैलेगा क्योंकि दीदू ने मज़े लेने थे, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, हो गया काम, हो गई हमें प्रॉब्लम। हम इंडिया में रहते हैं, हम सिटीजन हैं, हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। कोविड नॉन कंप्लायंस कंप्लेंट के लिए हर स्टेट में एक नंबर है, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सरकार हर एक के ऊपर नज़र नहीं रख सकती, हमारे जैसे आपके जैसे लोग नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि दीदू ने बोला, दीदू से किसी ने बताया, दीदू को समझाने की कोशिश की कि हम लोग 2 साल से घर नहीं गए हैं, तो दीदू कहती है तो तुम घर नहीं जा पाए, तो उसका फ्रस्ट्रेशन तुम यहाँ क्यों निकाल रहे हो? भाई क्यों क्यों ना निकाले, आप जैसे जब तक भरे रहेंगे दुनिया में, तो कोविड तो कभी जाएगा ही नहीं ना। और उसके बाद अगर हम रेस कर रहे अपनी वॉइस, इतने सालों से तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, दीदू बोला था क्या? बोला था नहीं। किसी ने मुझे बोला मैं चिंपैंजी लगती हूँ, लेट मी टेल यू, आई एम एन एनिमल लवर, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे चिंपैंजी बोला। दे आर सो क्यूट, दे आर सो क्यूट। तो लेकिन आपने मेरा विचार पढ़ लिया ना, जो आईडी थी सुधा सुधा, मैंने आपको बोला, मेरे मन की बात मैंने बोली। देखिए ना, आप आदमी लगती हैं ना आप औरत लगती हैं, आप मुझे 2-in-1 लगती हैं। और जब आप मेकअप करती हैं वो झूमझाम झालर बन जाती हैं, तो वो आपके 2-in-1 लुक में 4 चांद लगा देता है। ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ और मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं करना चाहती, बट आई लव एनिमल्स, आई रियली लव्ड योर कमेंट, थम्स अप। लेकिन आप डिलीट करके भाग गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, गंदी बात। इसके अलावा, ऑन अ सीरियस नोट, इफ एट ऑल यू पीपल थिंक कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कोई और भी कुछ नहीं कर सकता, तो यह आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है और लखनऊ में L3 चल रहा है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। L3 में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर सपोज टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस सेट बाय द गवर्नमेंट। किसी इनके सब्सक्राइबर ने बोला कि गवर्नमेंट नहीं पूछ रही तो आप लोग होते कौन है पूछने वाले? तो सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बात, गवर्नमेंट आगे खड़ी होके देखेगी ना कि दीदू की पार्टी, दीदू इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है कि गवर्नमेंट इनके ऊपर एक नज़र रखेगी या लोग देखते रहेंगे ना, हाँ सारा पूरा पता चला लखनऊ का पूरा विधानसभा बैठ के दीदू के बेटे की बर्थडे पार्टी देख रहा है, हैं? ऐसा नहीं होता है। आप लोग को अपने राइट्स पता है, मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछ रही हूँ, आप लोग को अपने राइट्स पता है। कोविड नॉन कंप्लायंस कंप्लेंट आप सभी कर सकते हैं,
सिर्फ अकेले मैं नहीं, सिर्फ अकेले कोई दो तीन लोग नहीं, सारे ही लोग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, यहाँ पे मास्क नहीं पहना गया है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग थे, ये एक क्लोज्ड वेन्यू था जहाँ पे ये पार्टी हुई है। और दीदू ने बोला है कि इनका बच्चा तुरंत ही सारे गिफ्ट खोल रहा है, दैट मीन्स गिफ्ट जो अलग अलग जगह से आए हैं आपने उसको सैनिटाइज भी नहीं किया और आपने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो सारे गिफ्ट खोल ले। हमें कोई लेना देना नहीं है, खतरा आपके ऊपर मंडराएगा, लेकिन वो खतरा जब आपके ऊपर से किसी और के ऊपर जाएगा जो आपकी उस पार्टी में नहीं था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, सरकार को भी होगी। आपको क्या लगता है अगर पेशेंट हिस्ट्री या पेशेंट की चेन अगर चेक करेगी सरकार तो आप तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, पहुँचेगी। और आप लोगों के और आपके सब्सक्राइबर्स के ये जो उल्टे सीधे मैसेज हैं, सुनो सुनो सुनो, ये सब ना जब इंक्वायरी होगी तो ये सारे आप लोग के फंडे चलेंगे नहीं। हमने इजाज़त ली थी, हमने मास्क पार्टी में आके उतारा था, सैनिटाइज़र हुआ था वहाँ पे, सैनिटाइज था सब कुछ, हमने सैनिटाइज़ किया था हाथ, हमारा टेम्परेचर लिया गया था। अरे मूर्खों गंवारों, इवॉल्व हो गया है कोरोना का वायरस। इवॉल्व मालूम है इवॉल्व क्या होता है? नहीं मालूम, गूगल करना। इवॉल्व हो गया है, ए सिम्टमेटिक अगर नहीं पता है तुम लोगों को तो जाके गूगल करो। ए सिम्टमेटिक जो कोरोना पेशेंट होता है उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं होता, ना उसका टेम्परेचर एबनॉर्मल होता है, ना उसे सर्दी होती है, ना उसे छींक आती है, ना उसे जुखाम होता है, वो एकदम नॉर्मल होता है जैसे तुम सब नाच रहे थे पार्टी में। तो ये जो गरीब जैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स है ना, अपने पॉकेट में रखो। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझवाने का इंतजाम कर देंगे। मैंने पिछली बार भी बोला था, आप लोग रूल तोड़ रहे हो, आप लोग इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू सेट किया हुआ रूल तोड़ रहे हो, आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकता है। इसका प्रोविजन आईपीसी सेक्शन में दिया हुआ है, मैं अपनी कम्युनिटी में डाल दूंगी। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस क्यों है वो भी बता देती हूँ। क्रिमिनल ऑफेंस इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना मतलब कोविड-19 का जो वायरस है वो एक डेडली वायरस है। आप सबको पता है कंटेजियस है, मतलब छूने से फैलता है, ठीक है। आप सबको पता है, जितने लोग पार्टी में गए थे आप सबको ये बात पता है, उसके बाद भी आप लोगों ने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की हैं, इसलिए ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो अगर आप एक क्रिमिनल ऑफेंस करते हो और उसका वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो तो ये गलत है, ये 100% गलत है। और यहाँ पे आके मुझे नेगेटिव कमेंट्स करके कोई फायदा नहीं। आप जब दीवा मंत्रा पे आते हो आपको वो आपको ना सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूंगी कमेंट दिखे। सब स्पैम में चला जाता है तुम लोगों का कमेंट, क्यों करते हो इतनी मेहनत? कोई काम धंधा नहीं है घर में? जाओ सब लोग अपना चेकअप कराओ जो पार्टी में गए थे, अगर जान प्यारी है तो, वरना और हजार लोग के अपने आसपास, अपने घर वालों के आसपास, आप जैसे लोग सबकी जान खतरे में डालते हैं। मुझे प्रॉब्लम इसलिए है, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग जो मास्क पहन के पार्टी नहीं इंजॉय कर सकते, उन लोग एक बार भी उन डॉक्टर्स के बारे में नहीं सोचते हैं जो कोविड के वार्ड्स में है, जो सर से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक प्रोटेक्शन वाला सूट पहनते हैं, उनका दम नहीं उठता, उनको तकलीफ नहीं होती है? तुम लोग सोचते हो ऐसे डॉक्टर्स के बारे में? तुम लोग नहीं सोचते। ये औरत, जिस औरत ने ये बर्थडे की पार्टी दी है, तो ये औरत तो किसी की भी इज्जत नहीं करती है। ये कहती कोई अपने घर नहीं जा पाया तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालो, तो इतनी छोटी तो तुम्हारी सोच है। तो अगर तुमने ये सब हरकत की है तुमको सॉरी बोलना चाहिए, ना कि यहाँ पे बैठ के उल्टे सीधे रीजंस देने चाहिए और मेरे चैनल पर आके नेगेटिव कमेंट करने चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है, मुझे आता है निकालना कि ये आईडी किसने कहाँ से बनाई है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मेकअप में दीदा लगाने वाली औरत नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे मेरा मेकअप में दीदा नहीं लगता भी। और बहुत कुछ आता है, काम करके निकली हूँ, काम करके ऑफिस में काम करके 9 to 5 जॉब करके निकली हूँ, और मुझे अपने राइट्स, अपने अपने जो मेरी मेरी जो
गवर्नमेंट है उसने जो मुझे राइट्स दिए हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे आगे एक और कहती है, तुम्हें मान हानि का तुम्हारे ऊपर दावा हो सकता तो करो करो, किसको गाली बकी, अभी तक तो नहीं बकी। ऐसे मान हानि के दावे होने लगते ना तो सारे रोस्ट चैनल तो बंद हो गए होते। शौक इन औरतों को बहुत शौक है सोशल मीडिया पे आके घमासान भसड़ मचाने का, लेकिन अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो इनके सर से पैर तक आग लग जाती है। तो आपके जैसे जो लोग हैं हमारे तो लेवल के बहुत नीचे हैं, सॉरी टू से, रियली सॉरी टू से। और जिन लोग को लगता है कि दीदू एक कमेंट कहता है दीदू जैसी पार्टी दे फिर देख, अरे भैया सुन सुन सुन, हमारी एक पार्टी में दीदू जैसी 5 पार्टी हो जाएंगी, समझे समझे। तो औकात में रहा करो कमेंट करने से पहले। आई एम एन इंडियन, आई नो माई राइट्स। कोई अगर ऐसा काम करेगा जिससे इंडिया में प्रॉब्लम फैले कोविड जैसी, आई विल रेज माई वॉइस। आई डू नॉट केयर कि आप कौन हो, कितने पुराने यूट्यूबर हो, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कुछ भी करने के पहले इन्फॉर्मेशन पूरी यूँ गैदर करती हूँ, और मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है एक्शन लेने के लिए। सो सुधर जाओ, और ये सब टंटे कर रहे हो ना तुम लोग, टंटे बंद कर दो, ये सारे टंटे बंद कर दो। जो बुफे मिला है उसके फूलों को सूंघो, वरना दीदी की तो का बात ही मैं क्या करूँ। सुनो दीदी को क्या लगता है आप लोग को मैं बताती हूँ। दीदी को लगता है कि दीदी की बातें जैसे मैं जा रही हूँ किचन में सब्जी बनाने मसाला डाल के, ऐसी जो बातें होती है ना दीदी की, वो कानों के सारे मैल को सैनिटाइज कर देती है। तो इसलिए इनके सब्सक्राइबर्स को लगता है दीदू ने पार्टी दी तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दीदू ने इजाज़त ली थी कोरोना के मल्टी नेशनल कंपनी है जो कोरोना की कोविड की, उसके ऑफिस में जाके इन्होंने कोरोना से साक्षात बात की थी और इजाज़त ली थी कि हमारे पार्टी में मत आना प्लीज़, हम नाचेंगे हम गाएंगे हम मास्क उतारेंगे बट आप प्लीज़ मत आना। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं नहीं आऊँगा, इसीलिए तो इन लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए तो इनको लेकिन फिर भी कोरोना के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने टेम्परेचर चेक करवाया लोगों का, कहीं आ तो नहीं गया छुप के। एसिम्प्टोमेटिक पढ़ना प्लीज़ पढ़ना, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद ये टेम्परेचर वेम्परेचर की बात करना। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप लोग भी सोचते हैं कि ये पार्टी जो गलत थी और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करूंगी जब मुझे लगेगा कि मुझे करनी चाहिए। बाकी जो मेरे पुराने लोग हैं दे कैन आस्क मी, दे कैन से हेलो टू मी एंड आई वुड लाइक टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। सो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी अबाउट में लिखी हुई है, अबाउट में इंस्टाग्राम का एक छोटा सा ब्लू कलर का इंस्टाग्राम लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। सो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, सिर्फ इसेंशियल शॉपिंग के लिए बाहर जाइए, उसके अलावा नहीं जाइए बाहर। और टेक केयर, बाय।